भारत, आज की हम बात करेंगे क्लास 10 का एसएसटी का चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये हिस्ट्री का चैप्टर, और जब भी आपके दिमाग में हिस्ट्री का जिक्र होता है आप कहते हो हिस्ट्री तो बोरिंग है, हिस्ट्री तो बोरिंग है, हिस्ट्री में बहुत सारा याद करना पड़ेगा, बहुत सारा लिखना पड़ेगा। बट ऐसा नहीं है। फिर सवाल आपके दिमाग में उठता है कि हिस्ट्री इतनी बोरिंग क्यों लगती है, जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो नींद क्यों आती है। देखो, जो सोर्स होता है मैं पढ़ाने का, जैसे आप स्कूल की बात करें तो हिस्ट्री, जब वो सामने से जब हिस्ट्री की टॉपिक की बात करती है तो टीचर लाइक कहते हैं बेटा, जो पढ़ा भी रहते हैं हिस्ट्री को, ये तो सब्जेक्ट आपको रटना पड़ेगा, इसमें समझने वाला कुछ नहीं है। तो टीचर लोग आपको कहते हैं कि इसमें समझने वाला रटना ही पड़ेगा, तो उनकी आपकी मेंटेलिटी बन जाती है कि रटना ही पड़ेगा, इसमें कुछ समझने का नहीं है। बट हिस्ट्री ऐसा नहीं, हम आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे, उसमें आपको एक एक चीज बताएंगे, डेप्थ में बताएंगे, और इस तरह से बताएंगे कि आपको चैप्टर रटना नहीं पड़ेगा, आपको कहानी की तरह लगेगा। और पढ़ाई आपको अचानक से हिस्ट्री जो आपको बोरिंग लगती है वो आपको लग जाएगी इंटरेस्टिंग। चलिए वीडियो स्टार्ट करें। चैप्टर के अंदर जाने से पहले चैप्टर की एक समरी देता हूँ, क्या क्या चैप्टर में पढ़ना है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपको पता होना चाहिए, इसका बहुत डेप्थ में मीनिंग है, ये आपको पता है तो पूरा चैप्टर आपको ऐसे ही समझेगा। सबसे पहले चैप्टर का नाम है राइस ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप तो आपको पता है कॉन्टिनेंट है, यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज है, फ्रांस है, इटली है, नीदरलैंड है, बेल्जियम है, कई सारी कंट्रीज है ना, इंग्लैंड भी थी। अब नेशनलिज्म क्या होता है? नेशनलिज्म होता है एक देशभक्ति की भावना, भाई हमारे कंट्री को लेके हमारे अंदर नेशनलिज्म है, एक मिलता जुलता वर्ड बोलो पैट्रियोटिज्म। अचानक से एक नेशनलिज्म जाग जाती है कंट्री का। सपोज यार 15 अगस्त का टाइम आया तो आप लोग क्या करते हो, फटाफट अपनी टीपी लगा के इंडियन फ्लैग लगा लेते हो, देशभक्ति के गाने लगा लेते हो। सपोज आजकल चाइना इंडिया का विवाद चल रहा है, अचानक सपोर्ट दिखाने के लिए इंडिया को आप इन पैट्रियोटिक सॉन्ग सुनते हो, लिखते हो, कुछ भी करते हो, तो सारे के सारे किस्म आते हैं नेशनलिज्म। तो जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ 1789 में, तो उन्होंने बोला कि यार जो रिवॉल्यूशन हमारे फ्रांस हो रहा है, इसको खाली फ्रांस तक नहीं रखना, इसको यूरोप की सारी कंट्रीज में कर ले, फैलाते जाना है, फैलाते जाना। उसके लिए फिर उन्होंने बुक्स वगैरह लिखी, रिवॉल्यूशन हुए, कई सारी पोएम्स लिखी, ताकि लोगों को जागरूक करो। लोगों को जब तक देखो किसी भी मूवमेंट में ना आम जनता शामिल नहीं होगी ना, वो मूवमेंट बढ़ानी पड़ेगा, रिवॉल्यूशन का नहीं होगा, तो इसलिए करा। अब इस चैप्टर में कुछ टर्म्स है, देखो सबसे पहले टर्म है बेटा मोनार्की। ये एनसीईआरटी में मैंने गिनी कम से कम 25 से ज्यादा बार इस वर्ड का जिक्र हुआ है, रिफ्रेशर में 40 से 50 वर्ड बार इस वर्ड का जिक्र। तो ये वर्ड अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट, आप समझो क्या होता है। पहले मोनार्की से पहले मैं आपको डेमोक्रेसी पे चलता हूँ। आप डेमोक्रेसी तो सुनते हो, इंडिया से डेमोक्रेटिक कंट्री बोलते हो। देखो डेमोक्रेसी दो वर्ड से मिलकर बना, एक डेमो और क्रेसी। क्रेसी का मतलब होता है मेरा गवर्नमेंट, और डेमो मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव, है ना। तो डेमोक्रेसी मतलब रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट, एक नारा बाय द पीपल फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी का सबसे डिफाइन करना चाहूं तो डेमोक्रेसी मतलब हमेशा इलेक्शन होंगे, हम लोग लोगों को चुनते हैं। भाई आप इलेक्ट वोट करते हो, आपके सिलेक्टेड जो लोग हैं जो उसमें आते हैं, इलेक्शन में आते हैं, चुने जाते हैं, फिर बाद में वो सरकार बनाते हैं। तो इंडिया से डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, तो ये बात समझ आ गई। मोनार्की में ऐसा नहीं होता, मोनार्की में होता है राजा का बेटा राजा बनेगा, उसका बेटा भी राजा बनेगा, उसका बेटा भी राजा बनेगा। एग्जाम्पल आप समझो यार, कई कंट्रीज में मोनार्की का है, जैसे टोटल 43 कंट्रीज, अगर मैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करूं जिनमें मोनार्की है कि राजा का बेटा राजा बनेगा, एशिया में 13 कंट्रीज ऐसी है, नाम लिखने पे आऊंगा तो पूरा बोर्ड बढ़ जाएगा, इसलिए मैं नाम लिखे। यूरोप में 12 कंट्रीज है प्रेजेंट, अमेरिका में 9 है, यूएसए में 6 है, अफ्रीका में 3 है, तो 43 कंट्रीज ऐसे मोनार्की है, राजा का बेटा राजा बनता है ना। अच्छा एग्जाम्पल आप सुनो, एक डायनेस्टी वाद होता है, जैसे कहते हैं डायनेस्टिक सक्सेशन, ये हिंदी में साम्राज्यवाद। जैसे मान लीजिए गांधी परिवार हमारा, पहले देखिए इंदिरा गांधी थी, 19 से पहले नेहरू जी थे, फिर इंदिरा गांधी थी, फिर राजीव गांधी आए, फिर सोनिया गांधी आई, फिर पप्पू गांधी आए, ऐसे कर करके ना इसे कहते हैं डायनेस्टिक सक्सेशन। तो ये मोनार्की नहीं है। मोनार्की कब होती है, बड़े लेवल पे। भाई मान लो मैं हूँ, ठीक है मैं हूँ, मेरा बेटा, मैं मान लो टीचर हूँ, मेरा बेटा मान लो एक साइकिल रिपेयर की शॉप करता है, उसका बेटा एक मैकेनिक है, उसका बेटा कपड़े धोने के काम करता है, तो ये डायनेस्टिक सक्सेशन हुआ, इसे कोई मोनार्की नहीं कहेंगे। मोनार्की बड़े लेवल पे होती है, जब आप देश की बात करते हो, आप कंट्री की बात करते हो, आप गवर्नमेंट की बात करते हो, बात समझ आ गई। सबसे ओल्डेस्ट मोनार्की की बात करूं, जापानीज मोनार्की सबसे, मतलब आज तक जापान में ना 126 मोनार्क है। मोनार्क मतलब एम्परर या किंग है, जिसमें राजा का बेटा राजा बना, उसका राजा 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 चलता रहा। सबसे पहला एम्परर जेम्स आया था 600 BC में, टोटल 126 मोनार्क हैं। और अगर आप करंटली 2022 में 22-23 में बात करो तो अभी वहां का एम्परर है नारुतो। तो यहाँ पे देखो मोनार्की समझ आ गई कि राजा का बेटा राजा, उसका बेटा राजा राजा। इंग्लैंड में भी थोड़ा बहुत ऐसा ही है, भाई पहले एलिजाबेथ थी, उससे पहले डायना थी शायद, उसके बाद ही भाई प्रिंस चार्ल्स आया, आप जॉर्ज आ गया, उसका बेटा भी एक और हुआ, उसका नाम नहीं पता भाई मुझे, ये बात समझ आ गई ना। तो मोनार्की में क्या होता है, रूल्ड बाय किंग और किंग, ये डिसाइडेड होता है।
और मैं आपसे बोलूं, देखो मोनार्की का मतलब समझ आ गया कि वहां पे राजा का बेटा राजा बनेगा, डेमोक्रेसी का मतलब हो गया आप वोट करके इलेक्शन लेंगे। एक एरिस्टोक्रेसी होती है, एरिस्टोक्रेसी होती है जब बहुत रिच क्लास होते हैं, जिनका बहुत पैसा होता है वो गवर्नमेंट बनाती है, उसे कहते हैं एरिस्टोक्रेसी। यहां तक भी समझ आ गया। एक होती है डिक्टेटरशिप, ए टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, उसमें क्या होता है कि इंसान की इसकी बहुत पावर बढ़ जाती है, बदमाशी बदमाशी करके, गुंडागर्दी करके, सब कुछ करके अपने आप ही वो बन जाता है। परवेज मुशरफ ने पाकिस्तान में ऐसे ही किया था, वो आर्मी का शायद मेरे हिसाब से जनरल था या कुछ इस तरह से, पूरी आर्मी उसके कंट्रोल में, बदमाशी करी, कोई इलेक्शन नहीं हुए, कुछ नहीं, और वो बन गया प्राइम प्रेसिडेंट वहां का, इसका पाकिस्तान का। बात समझ आ गई, सारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट समझ ली, ठीक है। अब सेकेंड वर्ड देखो, नेशन स्टेट। ये नेशन स्टेट वर्ड बेटा फ्रांस में से स्टार्ट हुआ कि हर कोई कंट्री डिमांड करनी, हर कोई लोग डिमांड कर नेशन स्टेट। अब नेशन स्टेट क्या, देखो यूरोप की मैं बात करूं, यूरोप में ना बहुत छोटे 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 ग्रुप्स में ना पूरा यूरोप बटा हुआ था। नेशन स्टेट क्या होता है कि सबकी सब एक लैंग्वेज बोले, सबके अंदर एक पेट्रोटिज्म की भावना हो, सबका सिमिलर कल्चर हो, ये नहीं कि यहाँ पे कुछ अलग हो रहा है, यहाँ पे अलग लैंग्वेज बोली जा रही है, वहां पे तो एक सेंस ऑफ कलेक्टिवनेस नहीं आता। आप स्कूल में जाते हो तो टीचर क्या कहते हैं कि अलग अलग यूनिफॉर्म पहन के हो, आपको एक कंबाइन पूरे स्कूल के एक यूनिफॉर्म है आप सब पहनते हो ताकि आप अलग ना दिखे। तो नेशन स्टेट का मतलब वो कंट्री है, स्टेट मतलब खाली स्टेट नहीं, जो राज्य नहीं है, स्टेशन स्टेट मतलब वो कंट्री जिसमें सारे लोग एक जैसे हों, सबके लिए समान लॉस हो, सबके समान राइट हो, सबको समान अधिकार हो, कोई प्रिविलेजेस ना हो, कोई भेदभाव ना हो, इसे कहते हैं नेशन स्टेट। तो नेशन स्टेट का आइडिया पूरे यूरोप में फैलाने के लिए उन्होंने कंट्री कोशिश करी और नेशन स्टेट करके एक वर्ड आया। फिर इसके बाद आता है एक जिक्र गाइसोपे मजीनी का, या किसी पे जो भी इसका नाम है, भाई बाहर का नाम है मुझे बोलना नहीं आ रहा, मजीनी बोलते हैं इसको ना। अब ये मजीनी जो है ना बड़ा सिरफरा टाइप का आदमी है, ब्रोकोड रॉयलिस्टैग बडवाइजर ट्यूबर पे घूम पिन पी के घूमता है, ठीक है, गले में मालाएं पहन के घूमता है। इसका मकसद क्या है कि भाई इटली का यूनिफिकेशन करना, इटली को एक हिस्से में जोड़ना। इटली ना सात स्टेट्स में बटा हुआ था, जब मैं आगे बढ़ाऊंगा चैप्टर में, सात स्टेट में बटा हुआ था, तो एक हिस्सा तो इनके कंट्रोल, बाकी छह में अलग अलग जगह के लोग राज कर रहे थे। तो ये चाहता था यूनिफिकेशन ऑफ इटली का। तो इसके लिए एक कौन कौन था, पॉलिटिशियन भी था भाई, पॉलिटिक्स में भी रहता था, जर्नलिस्ट भी था, एक्टिविस्ट भी था, सोशल रिफॉर्मर था। तो उसने क्या करा, दो सीक्रेट सोसाइटी बनाई। सवाल ये, सीक्रेट सोसाइटी क्या होता है सर, सीक्रेट क्या होता है, देखो और पर्पस क्या है सीक्रेट सोसाइटी का। देखो यार, मैं मान लो मैं प्लान कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट के खिलाफ मुझे कोई बगावत करनी है, आंदोलन चलाना, ठीक है। अगर मैं खुले में आंदोलन करूंगा, मैं खुले में कुछ करूंगा, गवर्नमेंट मुझे जेल में डाल देगी, प्रिजन में डाल देगी, सजा होगी, मूवमेंट खत्म। सीक्रेट सोसाइटी में क्या करते हैं, आप घर घर जाकर लोगों को जोड़ते हैं जिनकी कॉमन आइडियोलॉजी है, जो चाहते हैं कि हमारा इटली एक यूनिफाई हो, या हम सब एक कलेक्टिव हो, हम सब फ्री हो जाए, हमारे ऊपर कोई कंट्रोल ना करे, तो वहां पे आप सीक्रेट सोसाइटी बनाते हैं। एग्जाम्पल और समझो यार, रॉ वाले होते हैं इंडिया की जो एजेंसी है, रॉ रिसर्च एंड, तो वहां पे जो रॉ के मेंबर्स होते हैं उनकी आइडेंटिटी कभी भी डिस्क्लोज नहीं कर सकते। उनका पहला रूल है ये कि अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करेंगे, किसी को अपने बारे में नहीं बता सकते कि रॉ के मेंबर सीक्रेट है ना, या बदमाश होते हैं, या जो टेररिस्ट होते हैं वो बॉम्ब ब्लास्ट कैसे करते हैं, क्या करेंगे, मान लो अपने इंडिया में उन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट करा तो वो क्या करते हैं, अपने स्लीपर सेल करके होता है, उनके बंदे ऐसे होते हैं कि इंडिया में बहुत तीन तीन चार चार साल पहले इंडिया में बंदे भेज देंगे, कोई ढाबे में काम कर रहा होगा, चाय के दुकान पे कोई चाय बना रहा होगा, और टाइम आने पे जब उन्हें कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज करनी होती है तो उनको मैसेज करते हैं, ट्रिगर करते हैं कि भाई सर। तो सीक्रेट का मतलब ही होता है कि भाई कोई चीज सामने ना आए और आपका मूवमेंट चलता रहे, चलता रहे, उनको पता ही ना चले सरकार को कि भाई कौन से लोग हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं। तो उसने दो फेमस बनाई, एक यंग इटली बनाई और एक यंग यूरोप बनाई, इस नाम से मजीनी ने दो सीक्रेट सोसाइटी बनाई। चौथा नाम है भाई नेपोलियन बोनापार्ट का। जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया और मोनार्की खत्म कर दी गई है ना, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का नारा था लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटरनी, मोनार्की मतलब उन्होंने कहा राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। नेपोलियन बोनापार्ट आया भाई, फ्रांस की सिचुएशन को देख के नेपोलियन बोनापार्ट ने और ये दोबारा से मोनार्की पे ले गया कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा, क्योंकि हर तरह से इंसान देखो राजा है, पावर थी और इतने साल तक रहा उस पावर में 1798 में। जब ये आ गया तो उसने एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया, यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया उसने 1804 में। उसने क्या कहा, सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन को सिंप्लीफाई कर दिया, बहुत ज्यादा लॉजिकल नहीं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करा, जो सबसे अच्छा फैक्टर था। सेकंड इसने बनाया एबोलिशन ऑफ प्रिविलेजेस। यार प्रिविलेजेस होते हैं स्पेशल राइट। अब क्या होता है, जो हाई क्लास होते थे ये, यानी चर्च वाले होते थे, प्रिस्ट वाले होते थे, अपर क्लास होते थे, एजुकेटेड क्लास होते थे, उनको कई तरह के टैक्स भी नहीं देने पड़ते थे, और जो बेचारा गरीब आदमी है जो अपना दो टाइम का खाना भी नहीं जुटा पा रहा वो सब कर, उनको क्या होता है टैक्स भी देने पड़ रहे हैं, टैक्स भी हैवी है, बर्डन बहुत था, काम भी ज्यादा होता था। तो उसने कहा सब समान है, यानी सारे के सारे प्रिविलेज, मतलब कोई स्पेशल है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, राइट टू प्रॉपर्टी। पहले क्या था कि आप प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, पर नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा अपनी प्रॉपर्टी ले सकते हो, आप उसे खरीद सकते हो, और दूसरा इक्वालिटी बिफोर लॉ,
कोई भी कानून है वो सबके लिए सेम है, चाहे राजा है, चाहे मंत्री है, चाहे चोर है, चाहे सिपाही है, चाहे बर्तन धोने वाला है, चाहे कपड़े धोने वाला है, चोर लोकल काम है, बहुत लोअर क्लास है, एजुकेटेड, सबके लिए एक देश एक कानून, ठीक है। रिमूवल रेस्ट्रिक्शन ऑन गिल्ड, गिल्ड होता है मेरे भाई कि जब ट्रेड आप करते हो मर्चेंट से आर्टिशन सबको कंबाइन करते हो, गिल्ड मतलब ये भी समझ सकते हो कि टैक्स टाइप का। यार होता क्या था, जब मैं बात करूं उस टाइम की, तो 30 करेंसी होती थी, मतलब इसी में ना फ्रांस में 30 करेंसी चल रही है। अब आप देखो यार, एग्जाम्पल आप समझो, मान लो मुझे मुंबई से मुझे जाना है दिल्ली, अब मैं कुछ मुंबई में अलग करेंसी है, दिल्ली में अलग, मैं एक्सचेंज कैसे करूंगा? फिर दिल्ली से आप हरियाणा आए, कोई एक नई करेंसी चल पड़ी, अब आप उसको भी एक्सचेंज करो, फिर हरियाणा से आप कहीं भी चले गए, मान लो आप यहाँ चले गए मध्य प्रदेश चले गए, तो मध्य प्रदेश में नई करेंसी है, फिर आप मध्य प्रदेश से कहीं और पहुंच गए अरुणाचल प्रदेश, तो ऐसे ना ट्रेड करना बड़ा मुश्किल होता। तो उसने 30 करेंसी को करके कर दिया लिमिटेड, सिर्फ 2 करेंसी में, ये बहुत अच्छा फैक्टर था। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को भाई सुधारा, ये जगह दूसरी जगह जाना किस तरह जाएंगे बच्चे का, यूनिवर्सल लॉ मैंने आपको बता दिया कि भाई एक लॉ बनेगा। सातवां था एबोलिशन ऑफ सर्वडम, सर्वडम होता है मेरे भाई स्लेवरी। स्लेवरी में क्या होता है यार कि मान लो क्या होता था कि जैसे आप जमींदार हो या कोई बड़ा इंसान है, आप एक नॉर्मल से फार्मर हो, अब आपने कर्जा ले लिया कि जब कुछ आपने 10,000 रुपये उधार ले लिया, अब क्या होता था, ये लोग बहुत ज्यादा ब्याज लगाते थे, बहुत ज्यादा टैक्स लगाते, इन्होंने कहा 10 से 15,000 दोगे आप 2 महीने बाद 3 महीने बाद। अब आप एक देखो, एक फार्मर है, उसकी पूरी क्रॉप किस पे डिपेंड है? बारिश पे। बारिश अच्छी नहीं, उसकी क्रॉप बर्बाद हो गई, 15,000 उस पर कर्जा हो गया, तो ये कहते रहे 15,000 तो तुम दे नहीं पा रहे, तो हमारे लिए गुलाम बनोगे, जैसा हम बोलेंगे वैसा करेंगे, ठीक है। और एक गुलामी पीढ़ी दर पीढ़ी चढ़ जाती थी, जैसे बाप मर गया कर्जा देते रहे, उसका फिर बेटा देगा, बेटा मर गया तो फिर उसका बेटा देगा, और पीढ़ी दर पीढ़ी स्लेवरी चली जाती थी, बॉन्डेड स्लेवरी भी कहते हैं इसे। और कई बार आपने देखा हो मूवीज में भी दिखाते हैं, एक शो में भी दिखाते हैं कि स्लेवरी के लिए ठप्पा मार देते हैं, ऐसा यहाँ पे स्लेव का ठप्पा मार देते हैं, उनके लिए अलग लॉस होते हैं, कई बार जगह चेनों में बांध के काम करवाते हैं उनसे, तो बहुत उनकी हाइनेस कंडीशन। इसने ये खत्म कर दिया, थोड़ी बहुत इससे गलती हो गई थी, जैसे आपने गलती मैं आपको बताऊंगा कि इसने क्या किया, लोगों को जबरदस्ती ना अपनी फौज में भरना चाहा, ये चाहता था मैं पूरे यूरोप पे कंट्रोल करूं, और इसने क्या करा, सारे के सारे लोगों को मतलब मैं कहा कि हर परिवार से एक बंदा जो है आर्मी में होगा, और जबरदस्ती भरते गए, ह्यूमंस के राइट खत्म करे। आगे जाके मैं बताऊंगा वीडियो में, इसके बाद ट्रीटी ऑफ वियना बताऊंगा, पूरा चैप्टर जब बताऊंगा एक एक चीज, अभी तो सिर्फ मैं और ही बता रहा हूँ इस चैप्टर का। नेक्स्ट है मेरा ट्रीटी ऑफ वियना। ट्रीटी ऑफ वियना 1815 में साइन करेगी, 4 कंट्रीज थी, ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया और प्रुशिया। इन्होंने क्या करा, क्योंकि इनको पता था नेपोलियन जो है अपनी पावर बढ़ा रहा है, वो चाहता है पूरे यूरोप पे कब्जा करना, तो इनको डर था कि नेपोलियन कहीं पे अटैक ना कर दे, तो उन्होंने कहा अकेले अकेले की लड़ाई में तुम हार भी सकते चांसेस है ना, तो यूनिटी स्ट्रेंथ का फॉर्मूला अपनाते हुए ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया, प्रुशिया ने कंबाइन अटैक करा फ्रांस पे, नेपोलियन या फ्रांस से बोले नेपोलियन बोनापार्ट, और उसमें नेपोलियन बोनापार्ट हार गया। फिर उसके बाद एक ट्रीटी मतलब होती है पैक्ट, संधि, एग्रीमेंट, कुछ भी आप बोलो। वियना है ऑस्ट्रिया की कैपिटल, और ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटर्निक, इन्होंने जो हेड किया था, ये सारे के सारे कंट्री वियना में मिलती है, इन्होंने कुछ प्रोविजन करे, कुछ चेंजेस लाए, जैसे बॉर्बन डायनेस्टी जो नेपोलियन बोनापार्ट ने हटा दी थी, उसको रिस्टोर किया। बॉर्बन डायनेस्टी का आप देखोगे ना, इसमें कभी हटाते हैं, कभी इनको 2 थप्पड़ मार के भगा देते हैं, फिर दोबारा ले आते हैं, फिर ऐसा चलता रहा 2-3 बार इनके साथ ऐसा ही हुआ। नेक्स्ट था फ्रांस लॉस द टेरिटरी एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। एनेक्स्ट का मतलब होता है कैप्चर। फिर नेपोलियन मैंने आपको बताया बड़ा महत्वाकांक्षी था, एम्बिशियस था, तो उसने क्या करा, कई जगह अटैक करे थे, जो जो टेरिटरी उसने कैप्चर करी, एनेक्स मतलब कैप्चर, वो सारी की सारी फ्रांस को वापस करनी पड़ गई। ऑस्ट्रिया को देखो, अब जैसे जायदाद के बंटवारे होते हैं ना, जैसे मान लो माँ बाप के 4 बेटे, उनमें बंटवारा होता है, ऐसे इन्होंने जितनी भी लड़ाई में जो भी चीज मिली सब ऑस्ट्रिया को मिला, नॉर्दर्न इटली, रशिया को गया पोलैंड, पोलैंड का पार्ट ऑफ पोलैंड मिला, पोलैंड की कैपिटल हमारी वॉर्सा, प्रुशिया को मिला सैक्सोनी मिला, एक जर्मन कॉन्फेडरेशन बनाया था, कॉन्फेडरेशन ग्रुप 39 स्टेट, उसमें कोई भी चीजें टच नहीं करेगी। ये था हमारा ट्रीटी ऑफ वियना। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है डिफाइंड ट्रीटी ऑफ वियना कब साइन की थी, 1815 में, किसके, नेपोलियन के हारने के बाद कौन सी कंट्री इन्वॉल्व थी, सारा आप यहाँ से समझ जाएंगे। कॉन्फेडरेशन का मतलब समझो, नेक्स्ट वर्ड कॉन्फेडरेशन, यूनाइटेड अलायंस ऑफ ग्रुप पार्टीज एंड स्टेट। अलायंस क्या होता है यार मेरे भाई, जैसे आप देखते हो कि यार मान लो कोई पार्टी से इलेक्शंस होते, कोई पार्टी आपने देखा मेजोरिटी में नहीं आ पाई, तो अब मेजोरिटी में नहीं आ पाए तो क्या होता है, जिन पार्टी 2-3 पार्टी कंबाइन होकर आपस में सरकार बना देते, आप कहते हैं अलायंस। तो यहाँ पे भी ऐसी अलायंस होता है, ग्रुप ऑफ पार्टीज स्टेट्स। फिर है जैकोबिन्स, जैकोबिन एक पॉपुलर पॉलिटिकल ग्रुप है जिन्होंने बहुत एक्टिवली फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंजर्वेटिज्म।
कंजर्वेटिज्म मतलब देखो कंजर्व करके रहना, बहुत नैरो सोच होती है इनकी, पुराने ट्रेडिशन को चेंज नहीं करना चाहते, पुराना कोई भी चीज़ है रूल्स को मानते हैं, मोनार्की में ज़्यादा बिलीव करते हैं, कहते हैं यार ठीक है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा सही तो उसमें गलत क्या, मतलब चेंजेस को अपोज करते हैं, पुराने रिचुअल्स में रहते हैं। लिबरल कंजर्वेटिज्म भी बड़ा आता है, लिबरल मतलब होता है फ्रीडम। अब हम करेंगे चैप्टर का स्टार्टिंग, जैसे एनसीईआरटी में दे रखा है उस हिसाब से हम चलेंगे ऑर्डर में। कहानी कहाँ से शुरू हुई, 1842 में एक फ्रेंच आर्टिस्ट था, उसका नाम है फ्रेडरिक सोरियो, इसने कह रहा पेंटिंग बनाई। अच्छा, जो उसकी पेंटिंग थी एक्चुअली रियलिटी थी, जो चीज़ें सोची कि यार ऐसा होगा, जैसे यूटोपियन कहते हैं, वर्ड भी दे रखा है यूटोपिया का मतलब होता है इमेजिनरी, कि यार ऐसे ऐसे चीज होगी। तो उसने एक पेंटिंग बनाई, चार पेंटिंग बनाई, फेमस एक ही है, बुक में भी एक ही का जिक्र हम उसके बनेंगे। उस पेंटिंग में क्या था, उसमें था कि मैन और वुमन, आदमी और सारे एक तरह मार्च कर रहे, ऐसे मार्च करना होता ना, ऐसे सोल्जर मार्च करते हैं, और लंबी ट्रेन सी बना रखी है ऐसे मार्चिंग करते हुए। वहां पे क्या है, एक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी फेमस है, ऐसा आपने देखा होगा, हाँ पेरिस में या फ्रांस बोले, उसके एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है ना, देखा भी होगा मशाल सी है, दूसरा में चार्टर राइट है जो मैन के अधिकारों, इंसानों के अधिकारों के बारे में बात करें, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो काफिला चल रहा है उसमें सबसे पहले यूएसए वाले हर जगह आगे रहते हैं, फिर उसके पीछे स्विट्जरलैंड वाले हैं, फिर फ्रांस वाले हैं, फिर जर्मन वाले जो हैं ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग लेके घूम रहे, फिर ऑस्ट्रिया वाले हैं, फिर किंगडम ऑफ टू सिसिली जिसे आप इटली भी कहते हैं, लोम्बार्डी वाले हैं, पोलैंड है, इंग्लैंड है, ये सारे के सारे उसको प्रोसेशन को फॉलो कर रहे हैं। अब देखो हुआ क्या, ये बात चली 1789 में, जब पीछे के इवेंट्स में जाए तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, क्रांति फैल गई थी, और दो जो फेमस चीज़ें, कई क्वेश्चन भी पूछा था कि ला पैट्रे और ला शुडेट, दोनों फ्रांस के फ्रेंच भाषा के शब्द है, पूछा जाता है ला पैट्रे के था आइडिया ऑफ फादरलैंड, कॉमन नेशन होना चाहिए, ला सिटीजन यानी सिटीजनशिप अधिकार होने चाहिए, सब कॉमन होने चाहिए, नेशन स्टेट होना चाहिए, एक पूरे यूनिवर्सल होना चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, सब बातें आई। तो कई बार आपसे पूछा ला पैट्रे का मतलब क्या, आपने कहा फादरलैंड, ला सिटीजन का मतलब सिटीजन। एक नया फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद एक नया फ्रेंच फ्लैग आया, पहले क्या था हमारा रॉयल स्टैंडर्ड वाला था, ट्राई कलर थी, तीन रंग चुने गए इसमें, एस्टेट जनरल लेट करा गया और उसको नीरेम दे दिया नेशनल साइन, मतलब सारी की सारी बातें मोनार्की खत्म हो गई थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद। हाइम्स हो गए, हाइम्स होते सॉन्ग्स वगैरह, ओथ ली गई, शपथ ली गई, कई सारी की ऐसा करेंगे जैसे आप प्लेज कहते हो, मार्टियर्स को जो मार्टियर जिन्होंने भी मतलब देश के लिए सही या फ्रांस के लिए शहीद हुए थे उनको सम्मानित किया गया, उनको उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को सराहा गया। कस्टम ड्यूटी अबॉलिश कर दी गई, भाई कस्टम मैंने आपको बताया एक जगह दूसरी जगह जाने के या फिर एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाने का कस्टम नहीं, फ्रांस में अंदर ही बहुत सारी कस्टम ड्यूटी थी है ना, वो सारी की सारी अबॉलिश कर दी गई। रीजनल डायलेक्ट्स को डिस्करेज करा गया, देखो रीजनल डायलेक्ट क्या होता है, वो भाषा तो बहुत छोटे एरिया में बोली जाती है, बहुत यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस नहीं होता उसका। इन्होंने बोला अगर फ्रांस के लोग बहुत सारी भाषाएं बोलेंगे तो यूनिटी का भाव नहीं आएगा ना भाई, अब इंडिया में मान लो इंडिया कंट्री में है, कोई अलग भाषा बोल रहा है, कोई अलग भाषा बोल रहा है, कोई अलग, एक ही स्टेट में 50 भाषाएं बोल रही, तो आपको लगे यार सब अलग अलग है, पर अगर एक ही भाषा बोल रहे सारे के सारे तो कॉमननेस का फील आएगा, यूनाइटेड का फील आएगा। तो जितनी छोटी छोटी रीजनल डायलेक्ट बोला उनको डिस्करेज करा गया, फ्रेंच को कॉमन लैंग्वेज बोल मान दिया। फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने क्या करा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने कहा यार देखो हमने फ्रांस में तो क्रांति को ले गए, अब हमें पूरे यूरोप तक, यूरोप में जितने भी कंट्रीज का जिक्र है, ये क्रांति फैलानी है, ये नेशनलिज्म का आइडिया फैलाना है, ये देशभक्ति का जज्बा फैलाना है। तो उन्होंने कैसे पूरे यूरोप में कहा, अब जब यूरोप में बात फैल गई फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में, हुआ तो फ्रांस में था, देखो कोई भी घटना यार भले फ्रांस में हो रही है इम्पैक्ट सब जगह पड़ता है, बात समझ आई नहीं, फीफा का वर्ल्ड कप है, भले अर्जेंटीना जीत रही है पर इंडिया वाले भी देख रहे हैं, उसी तरह ना पूरे यूरोप में बात फैल गई, फ्रांस में क्या हो। तो उन्होंने कहा हम भी ऐसे, अब इनको देखते थे ना कई सारे यूरोप की कंट्री में स्टूडेंट्स थे, अदर मेंबर थे, एजुकेशनल क्लास थी, उन्होंने क्या करा जैकोबियन क्लब बनाने शुरू कर दिए ताकि इनसे लड़ पाए। इन्हीं जैकोबियन क्लब्स की मदद से फ्रांस की आर्मी यानी फ्रेंच आर्मी कहाँ चली गई, सबसे पहले हॉलैंड चली गई, फिर बेल्जियम में गई, स्विट्जरलैंड में ली और इटली में ली। अब इतना सब कुछ होने लगा, फ्रांस की क्रांति आने लगी, लोगों को लगा सब है, बट नेपोलियन ने बहुत सारे रिफॉर्म्स करे। फिर इसके बाद नेपोलियन आ गए, 1799 में नेपोलियन आ गए। नेपोलियन क्या करा, दोबारा से मोनार्की पे ले गया, उसने कहा अब राजा का बेटा राजा ही बनेगा, दोबारा से ले गया। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को उसने अच्छा करा, करेंसीज को कम कर दिया गया, सब चीज़ें अच्छे से करी, इसने कस्टम ड्यूटी अबॉलिश करी, ठीक है, और आप प्रॉपर्टी का राइट खरीद सकते हैं वो कर रहा उसने। पर कुछ गलतियाँ देखो नेपोलियन से, क्या क्या गलती, नेपोलियन के अगेंस्ट भी लोग थे, सबसे पहले इसने टैक्सेशन ज़्यादा कर दी, वो टैक्सेस ज़्यादा लगाए, क्योंकि देखो लड़ाई लड़नी है, उसका था प्योर यूरोप में एक्सपेंशन होना है, पैसा तो चाहिए, बिना लड़ाई पैसे के कोई लड़ाई आप लड़ ही नहीं सकते, तो पैसा कहाँ से आएगा, टैक्स से। तो कुछ ने टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए, सेंसरशिप कर दी, सेंसरशिप होता है प्रतिबंध लगाना,
जैसे मान लो यार मूवीज में क्या होता है कि अगर मान लो सेंसर बोर्ड को लगा कि यार ये सीन सही नहीं है, या फिर इसमें बहुत बड़े हाइनियस दिखा रखा है, बेकार दिखा रखा है, इसमें वायलेंस है, न्यूडिटी है, या फिर तो उसको काट देते, मूवीज में नहीं आ पाता। उसी तरह उसने प्रतिबंध लगा दिया प्रेस पे कि भाई मीडिया में, बुक्स में कोई मेरे बारे के खिलाफ कुछ गलत नहीं लिखता, मेरी मर्जी के अलावा मेरे बारे में कुछ नहीं लिखता, मीडिया में कोई बुक में नहीं लिखता, किसी को गाना ऐसा नहीं गा सकते जो मेरे खिलाफ, तो प्रतिबंध लगा लोगे। फिर इसने क्या करा, फ्रेंच आर्मी में कई सारे लोगों को, मैंने आपको बताया यार लड़ाई लड़ने के पैसा चाहिए, पैसे के लिए पावर चाहिए, पावर के लिए अपनी बहुत बड़ी आर्मी, क्योंकि लड़ते जाना पूरे यूरोप में लड़ना अपने, तो इन्होंने क्या करा, फ्रेंच आर्मी में जबरदस्ती ने कंपलसरी कर दी कि हर घर से एक बंदा तो फ्रेंच आर्मी में हो गई, चाहे उसकी मर्जी हो ना हो, जिसकी वजह से कई सारे लोग इनके खिलाफ हुए। उसके बाद मैंने आपको बताया कि किस तरह से हमारी अटैक करा ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया, पुरुषों ने मिलकर ट्रीटी ऑफ वियना साइड करी। उसके बाद हम चलते हैं यूरोप में मिड सेंचुरी में क्या चीजें हो रही थी। उसके बाद कई सारी चेंजेस है, रिवॉल्यूशन है, क्रांति आई 1830 से 1848, बहुत सारे रिवॉल्यूशन है जो मेन हमें पढ़ना है, कि फ्रांस का रिवॉल्यूशन पढ़ना और ग्रीक वाला पढ़ना ना। देखो फ्रांस में जुलाई 1830 में क्या हुआ, कुछ लिबरल रिवॉल्यूशन इकट्ठे हुए और उन्होंने बॉर्बन किंग जो था उसको अगेन हटा दिया। मैंने आपको पहले ही बताया था कि यार नेपोलियन ने बॉर्बन डायनेस्टी वालों को हटा दिया था, फिर ट्रीटी ऑफ वियना पे दोबारा रिस्टोर कर दी, फिर इनको बार 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 इनका हटाया जाता रहा, बुलाया जाता रहा, तो बॉर्बन किंग वो ओवर थे रिवॉल्यूशन। उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सेटअप किया। मोनार्की तो हमें पता है राजा का बेटा राजा बनेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल क्या होता था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब एक संविधान भी बनाया गया कि अकेला राजा अपने डिसीजन नहीं ले सकता, एक संविधान के तहत, एक देश के तहत उसको कानून माना, मतलब इसका अकेले का डिसीजन नहीं हो सकता है, यह कॉन्स्टिट्यूशन या देश के साथ रहकर डिसीजन मेकिंग में पार्ट है। और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का हेड बनाया गया लुइस फिलिप को, लुइस फिलिप वाज द हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ये बात समझ आ गई इन फ्रांस। ठीक है, लुइस फिलिप का एक फेमस स्टेटमेंट है, व्हेन फ्रांस नीड्स द रेस्ट ऑफ यूरोप कैच यू, है ना, जब फ्रांस नीज करता है, छींकता है, तो सारे के सारे यूरोप को कोल्ड हो जाते हैं। अब कोल्ड होने का मतलब मेरे भाई ये है कि देखो जब भी इतने भी रिवॉल्यूशन, जब हम बढ़ते नेशनलिज्म इन यूरोप, स्टार्टिंग पॉइंट कहां से, फ्रांस ने तो करा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन फ्रांस ने करा जितनी, उसके बाद ही तो पूरे यूरोप में आइडिया फैला कि रिवॉल्यूशन का, पहले तो कोई बात भी नहीं करता था। तो उसने कहा, पूछा जाता है किसने कही थी, किसने कही थी, लुइस फिलिप ने। अब जुलाई में जो रिवॉल्यूशन मैंने आपको बताया 1830 में हुआ, उससे क्या हुआ कि बेल्जियम जो है यूनाइटेड किंगडम से अलग हो गया। देखो किसी भी रिवॉल्यूशन होता है उसके बाद आफ्टर इफेक्ट होते हैं, उससे क्या हुआ कि ये जो है बेल्जियम जो है यूनाइटेड किंगडम से अलग हो गया। फिर इसके बाद मैं बात करूं ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, ग्रीस जो था ऑटोमैन एम्पायर का पार्ट था, ऑटोमैन एम्पायर वही है जिसको आप आजकल टर्की के नाम से जानते हैं, ये ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। देखो ग्रीस जो भाई ऑटोमैन एम्पायर का पार्ट था, ऑटोमैन एम्पायर वही है जिसे आप मॉडर्न डे में टर्की के नाम से जानते हैं। 1821 में स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुआ, और जब स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस हुआ तो उनको कई जगह सपोर्ट मिली, ग्रीक्स लिविंग इन एक्साइल से जो बाहर रहते गए उन्होंने सपोर्ट दिखाया, वेस्टर्न यूरोप के लोगों ने, जब आपको पता है कि कोई इंसान सही काम कर रहा है, कोई मूवमेंट सही चल रहा है इंडिपेंडेंस के लिए, तो जगह जगह सपोर्ट मिलता रहा उन्हें। पोइट एंड आर्टिस्ट लॉडेड ग्रीस, जो पोइट थे, आर्टिस्ट जो पोएम लिखते थे, आर्टिस्ट जो पेंटिंग बनाते थे, म्यूजिक थे वाले थे, कई तरह से उन्होंने प्रमोट करा कि जो मुहिम छेड़ी आजादी की, क्रांति की, जगह जगह फैले, अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन सबने दिया। इंग्लिश के एक फेमस पोइट थे लॉर्ड बायरन, इन्होंने कहा जगह जगह से फंड्स ऑर्गेनाइज करिए। देखो फंड्स का मतलब क्या होता है, देखो कोई भी लड़ाई लड़नी है, कोई भी मूवमेंट करना है, कुछ भी करना है, उसके लिए पैसा, और यहाँ पे तो लड़ाई चल रही थी, मास एग्रीटेशन होता था, प्रोटेस्ट होता था, तो उसमें बहुत फंड्स चाहिए, तो जगह जगह से फंड्स ऑर्गेनाइज करें, पैसा करा, बाद में लड़ने भी गए, पर 1824 में डेड ऑफ फीवर, इन 1824 में इनकी डेथ हुई आती है। फिर इनकी डेथ क्या, 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन की, जहां पे ग्रीस को इंडिपेंडेंट। रोमांटिसिज्म देखो क्या है, किसी भी इसका जो कंसेप्ट था ना वो था डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म। अच्छा आपको समझना है कि जो नेशनलिज्म की लड़ाई लड़ी गई या फिर रिवॉल्यूशन हुए, खाली लड़ाई झगड़े के दम पे नहीं है, या फिर आप टेरिटरी बढ़ा के लड़े गए या एक्सपेंशन करके बढ़े, ये लड़ाई गई आइडिया ऑफ नेशन के थ्रू, कल्चर को प्रमोट करा गया, आर्ट को प्रमोट किया, पोएट्री को करा गया, स्टोरीज को प्रमोट किया गया, म्यूजिक को, ताकि लोगों में एक वन नेशन की थ्योरी है कि हम सब एक है। इसमें लिखा भी है कल्चरल मूवमेंट विद डेवलप नेशनल सेंटीमेंट। अच्छा ये क्रिटिसाइज करता था ग्लोरिफिकेशन कि हर बात पे आप तर्क दो, हर बात पे आप साइंस के लॉजिक बढ़ाओ, हर बात पे नेशनल करो, उन्होंने कहा दिल से सोचो, देश के बारे में सोचो। ऐसे एक रोमांटिक थे, उनका नाम था जोहान गॉटफ्रिड हर्डर, 1744 से 1803 तक इनका रहे। इन्होंने कहा ट्रू जर्मन कल्चर वाज डिस्कवर्ड थ्रू कॉमन पीपल, और कॉमन पीपल के लिए जर्मनी में एक भाषा टर्म दी गई डासवॉल। आपसे पूछ सकते हैं डासवॉल क्या होता है, कॉमन पीपल। फोक सॉन्ग्स को एनकरेज करा गया, फोक होता है लोकल सॉन्ग्स को, फोक पोएट्री, लोकल पोएट्री, रीजनल पोएट्री, फोक डांसेस को, ताकि लोगों में ना एक यूनिटी, लोग एंजॉय करें अपने देश की आजादी को। और इन्होंने कहा ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन किसके थ्रू होती है,
इसे कहते हैं वॉक सीट। तो दोनों टर्म आपको रखनी है कि वॉक गिस्ट क्या होता है, ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन, नेशन की आत्मा जो होती है वो किस में है, नेशन की बिल्डिंग में, नेशन के लोगों से है कि फीलिंग से है, उनके सेंटीमेंट से है। और दूसरी आपको रखनी है डास फॉल यानी कॉमन पीपल। अब हम समझेंगे कि मेकिंग ऑफ जर्मनी इटली या यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कैसे। सबसे पहले हम बात करेंगे जर्मनी की, बाद में हम बात करेंगे 1848 में कुछ मिडिल क्लास जर्मन थे, उन्होंने सोचा कि यार क्यों ना कि जर्मनी को, और इन्होंने क्या करा, कन्फेडरेशन जितने भी यूनिट छोटे छोटे टेरिटरीज उनको नेशन स्टेट बनाने का सोचा, मूवमेंट करे, रिवॉल्यूशन करे, पर जो उनको दबा दिया गया, सप्रेस करा गया, किसके द्वारा, मिलिट्री के द्वारा, जर्मनी मोनार्की जो किंग थे उन्होंने सप्रेस कर दिया। लार्ज लैंड ओनर्स जो थे जिनका बहुत बड़े बड़े जमीन थे, उन्हें कहा हमें क्या पचने पड़ना चाहती है, हमारा तो जीरा मस्त हो के, उन्हें लैंड ओनर को क्या कहते हैं, जंकर्स, ठीक है। और ये कहाँ के होते हैं, प्रूशिया के। कई बार आपसे पूछे जंकर्स कौन होते हैं, तो लार्ज लैंड ओनर्स को क्या कहेगा, जंकर्स। तो इन सब ने बेटा सप्रेस कर दिया इनके मूवमेंट को। अब यहां से क्या हुआ, प्रूशिया ने लीडरशिप ले लिया, मूवमेंट सप्रेस कर दिया गया। प्रूशिया ने कहा चलो हम तुम्हारी मदद करेंगे। प्रूशिया के चीफ मिनिस्टर थे ऑटो वॉन बिस्मार्क, और जैसे मनी हाइस्ट मूवी में प्रोफेसर गेम घुमाते, इन्होंने पूरी गेम घुमाई, पीछे से बैकअप दिया, किस तरह से अटैक करना है, पूरी माइंड गेम इन्होंने घुमाई। तीन लड़ाई हुई, 7 साल में 3 लड़ाइयां हुई, ऑस्ट्रिया के खिलाफ, डेनमार्क के खिलाफ और फ्रांस के खिलाफ, और लास्ट में सब ये तीनों जीत गए, प्रूशियन आर्मी सारे के सारे लड़ाई जीत गई, और प्रूशियन किंग विलियम वन को जर्मन एम्परर का पहला क्लेम जर्मन एम्परर बनाया गया। तो इस तरह से जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ। बात करूं मैं आपसे इटली के यूनिफिकेशन की, जब इटली की कहानी देखते हो ना, इटली को 7 स्टेट्स में बांटा गया। अच्छा, एक सार्डिया पेडमेंट, एक ऐसा अलग, एक ही स्टेट ऐसा है जो इटली वाले लीड कर रहे थे, इटालियन प्रिंस ले उड़ा थे, बाकी देखो नॉर्थ में हैब्सबर्ग एम्पायर था, सेंटर में पोप था, फिर थे सदर्न रीजन में बॉर्बन किंग ऑफ स्पेन थे, और इटालियन लैंग्वेज के बात तो पूरा ऐसा नहीं कि इटली इटालियन इटली है तो पूरा इटालियन लैंग्वेज बोली जा रही है। इटालियन लैंग्वेज में भी ना रीजन में भी बड़ा वेरिएशन था, जैसे आप थोड़े से दूर जाओगे तो कुछ वर्ड्स चेंज हो गए इटली के अलग अलग, और दूसरी जगह जाओ लैंग्वेज में बदलाव आ गया, तो पूरा कंबाइन इफेक्ट तो आने था, ठीक है। अब जब यहाँ पे अपराइजिंग जो इटली में भी जो भी मूवमेंट चला गया दबा दिया गया, जुलाई वाला मूवमेंट दबा दिया गया, तो पूरी की पूरी जिम्मेदारी आ गई सार्डिया पिडमोंट पे लड़ाई लड़ने की। और सार्डिया पिडमोंट के कौन थे, किंग किंग विक्टर इमैनुअल टू, इन्होंने क्या करा वहां पे कोशिश कर लड़ाई करी, इनके सपोर्ट में सीएम केवर भी आया, सीएम चीफ मिनिस्टर केवर भी आए, वो ना एक रिवॉल्यूशनरी थे ना एक डेमोक्रेटिक थे, वो सिर्फ आ गए थे सपोर्ट में। 1859 में इन्होंने क्या करा, चीफ मिनिस्टर केवर ने मिलके विक्टर के साथ मिलके ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हरा दिया। अब 1860 में गैरिबाल्डी था, वो भी एक रिवॉल्यूशनरी था, वो भी आ गया। इस बंदे ने क्या करा, यूथ को अपने साथ जोड़ा, इसके पास कोई सेना नहीं थी, आर्मी नहीं थी, ट्रूप्स नहीं थे, इसके पास कुछ नए युवा पीढ़ी के लोग थे, नई सोच के चाहते, जो अलग रहना चाहते थे, उन्होंने क्या करा, लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड वॉलंटियर्स बनाए, आर्म मतलब उन्होंने क्या करा, आर्म वॉलंटियर बनाया। आर्म वॉलंटियर के पास गन वगैरह भी थी, जो भी इन पे हथियार भी थे, चीजें थी जिससे लड़ने के लिए आए। इन्होंने क्या करा, मार्च कर दिया साउथ इटली में और किंगडम ऑफ टू सिसिलीज पे अटैक कर दिया, है ना, घुस के चले गए इनके टेरिटरी में और उनको हरा दिया। जब ये हार गए तो 1861 में फाइनली विक्टर इमैनुअल टू जो था किंग बन गया यूनिफाइड इटली का। तो इस तरह से यूनिफिकेशन हुआ इटली का, जर्मनी का यूनिफिकेशन आपको पहले ही बता चुका।